All right. Surface chemistry deals with the phenomena that occurs at the surface or interface. देखो दो चीजें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है बल्क प्रॉपर्टीज और कुछ होती है सरफेस प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस है तो इसकी ये सरफेस है, कुछ चीजें सरफेस पे होती हैं ज्यादा, जैसे इवेपोरेशन एब्जॉर्प्शन, ये सारे सरफेस पे होने वाली फिनोमेनाज है, दिस इज सरफेस, ठीक है। और कुछ चीजें बल्क में होती है, कुछ चीजें बल्क, बल्क माने जो सरफेस नहीं है, है ना, बल्क है। तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सरफेस फिनोमेना होने वाले हैं, दैट मींस किसी भी चीज की, सॉलिड लिक्विड गैस या किसी भी सॉलिड और लिक्विड की सरफेस होती है, सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे होने वाले फिनोमेनास को हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ गई ये बात? तो लेट अस स्टार्ट विद एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की बात करते, सपोज हमारे पास एक, यहाँ पे जो भी मैं बना रहा हूँ वहीं पे तुम बना लोगे इसको। देखो अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस के सरफेस पे सपोज कुछ चीजें एक्यूमुलेट हो गई और कुछ चीजें जो है उसके बल्क में जाके मिक्स हो गई, तो और सरफेस पे भी है, तो पॉइंट इज दिस कि अगर कोई चीज एक्यूमुलेट होती है बल्क में और सरफेस पे दोनों पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, जो एक्स जो क्रॉस वाला सब्सटेंस है। और कुछ चीजें जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे अकर करती हैं, एक्यूमुलेट होती है, ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है, वाइल एड्सॉर्प्शन बल्क में भी होता है, बल्क में माने वो नीचे भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब करता है या एड्सॉर्ब करता है? एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। एक सिमिलरली हम बात करते हैं, ज्यादातर चीजें हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं, जो भी चीजें हमारे पास होती है, एड्सॉर्प्शन हमने बहुत कम देखा है। तो व्हाट इज एड्सॉर्प्शन उसकी बात करें तो यहां पे डेफिनेशन है, उसे अंडरलाइन कर लेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ द स्पीशी एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड इज टर्म्ड एज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? कोई चीज एक्यूमुलेट हो सरफेस पे ना कि बल्क पे, तो उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ऑलराइट, मॉलिक्यूलर स्पीशी which concentrates or accumulates on the surface is called an adsorbate, and material on which the adsorption takes place is called adsorbent. So, two things, adsorbate or adsorbent. So, point is this, jo cheez adsorb ho rahi hai, jise for example, ye adsorbent hai, aur jo adsorb kar raha hai, wo adsorbent hai, ye kya hai, adsorbent. तो डिफाइन कैसे करेंगे? जो चीज कंसेंट्रेट होती है ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट, और जो चीज हमारी एड्सॉर्ब करती है उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जो एड्सॉर्ब कर रहा है वो एड्सॉर्बेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एड्सॉर्प्शन जो होता है ज्यादातर उनमें अच्छा होता है जिनकी फाइनली डिवाइडेड स्टेट होती है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, उनमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता है। तो क्वेश्चन या पॉइंट ये समझो, अगर कोई सब्सटेंस है, ये क्यूब है, एक क्यूब है मेरे पास, इसकी सरफेस एरिया क्या है? इसका सरफेस एरिया ये इसका सरफेस एरिया 6a² है ना, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने इसको कर दिया डिवाइड, इसके कर दिए टुकड़े, ठीक है। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मैंने इसे फाइनली डिवाइड कर, तो देखो पहले उसकी सरफेस एरिया था ये, पहले उसका सरफेस एरिया था ये, राइट। अब
क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े अलग हो जाएंगे और उनकी सरफेस अलग हो जाएगी, तो नई जनरेटेड सरफेस यहाँ पे आ जाएंगी, ये सारी नई जनरेटेड सरफेस होंगी, हाँ या ना। तो जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जब उसे हम बारीक करते हैं, तो हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ये सोचो, जब ये क्यूब, एक क्यूब अलग हो जाएगा तो इसकी सरफेस बढ़ गई, ये वाली है ना। ओवरऑल क्यूब की सरफेस ओरिजिनल थी वो रेड वाली पार्ट, पर जब हम उसे डिवाइड किया तो उसका सरफेस एरिया ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर जाता है। तो विच इज अ गुड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट कौन अच्छा है, एक बिगर पार्टिकल और फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल? क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन किस पे होता है, सरफेस पे, और सरफेस के लिए सरफेस एरिया चाहिए, और सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है, अगर उतना ही पार्टिकल मास बराबर है, पर ये एक बड़ा पार्टिकल एक और उसका चूड़ा कर रखा है मैंने, तो वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कौन कौन से अच्छे एड्सॉर्बेंट्स हैं? चारकोल, सिलिका जेल, एलुमिना जेल, ये तुम याद रख सकते हो। एलुमिना जेल छोड़ो, चारकोल और सिलिका जेल याद रखोगे, अकोलॉइड्स, ये अच्छे चीजें हैं जो जब इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं तो दे फाइनली डिवाइडेड स्टेट में बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं। और एक यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? से मैं ठीक स्क्रोल अप करूं तो है। इफ अ गैस O2, H2, Cl2, NH3, SO2 आर टेकन इन अ क्लोज वेसल विद पाउडर्ड चारकोल, पाउडर्ड चारकोल कहाँ सुना था? अभी सुना था। कहाँ सुना था? एड्सॉर्बेंट में। ये क्या है? एड्सॉर्बेंट। इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, व्हाई? वो कह रहे हैं एक, हाँ बिल्कुल सही, वो कह रहे हैं एक क्लोज वेसल ले लो, एक बर्तन ले लो, पर वो क्लोज हो। ये क्लोज वेसल में चारकोल डाल दो, क्या डाल दो? चारकोल, और चारकोल के अलावा यहां पे गैसेस डाल दो, यू पुट H2O2, CO2, N2, कोई भी गैस डाल। इसका जब हमने डाला होगा तो इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, इनिशियल प्रेशर, जो ये वॉल्स पे हिट करके बनाता है, इस पे वॉल्स पे हिट करके प्रेशर बनता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस गैस का यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इस कंटेनर में प्रेशर क्यों कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर गैसेस जो थी वो चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो गई। क्या हो गई? एड्सॉर्ब। तो क्या वो उतना ही प्रेशर लगाएंगी थोड़ी देर बाद? नहीं, क्योंकि वो जाके किस पे बैठ जाएंगी, चारकोल पे, एड्सॉर्ब हो जाएगी उसकी सरफेस पे, तो वो हवा में नहीं घूम रही, तो क्या वो प्रेशर लगाएगी? नहीं। इसका आंसर बस वन लाइन में लिखेंगे, आंसर है दीज गैसेस गेट एड्सॉर्ब, गैसेस, दीज गैसेस गेट एड्सॉर्ब, यहीं पे लिख लेंगे, एड्सॉर्ब ऑन द चारकोल, दीज गैसेस गेट एड्सॉर्ब ऑन द चारकोल एंड सो प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, आंसर जिमांशु, क्लियर आर्यन? नेक्स्ट, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई मिथाइलिन ब्लू एनिमल चारकोल इज एडेड एंड द सॉल्यूशन इज वेल शेकन, इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। अगेन वो कह रहे एक सॉल्यूशन लेना है, इसको तो बंद करने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, हमने एक सॉल्यूशन लेना है और ये सोल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू, एक डाई है, एक इंक है, तो ये सोल्यूशन किसका है? मिथाइलिन ब्लू। हमने इसमें डाल दिया चारकोल, और चारकोल डालने के बाद थोड़ी देर बाद देखा तो ये कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस। ऐसा क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ द डाई गेट एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ चारकोल, सिंपल। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ डाई गेट एड्सॉर्ब ऑन द चारकोल, गेट्स एड्सॉर्ब ऑन द चार, राइट?
अच्छा, एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, इसका आंसर खुद लिख सकते हो पैटर्न समझ के, क्या बोलना है, क्या बोलोगे? मॉइस्चर गेट्स एब्जॉर्ब ऑन दी सिलिका जेल, समझ आ रहा है? मॉइस्चर गेट एब्जॉर्ब ऑन दी सिलिका जेल। राइट, प्रिंट आउट ले लिया ना सबने ऑनलाइन वालों ने या नहीं? सर मैंने नहीं किया सर, आ जाएगा सर 1 घंटे में, 1 मिनट में आ जाएगा। तो कॉपी में नोट करोगे फिर, पर करोगे नोट, ये नहीं सोचना कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में, पूरा कर ही लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट। दिस ऑप्शन, अगर कोई एड्सॉर्ब चीज को बाहर निकाल दे, कुछ एड्सॉर्ब था उसे बाहर कर दे, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बल्क पे होता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस पे होता है, डिसॉर्प्शन होता है एब्जॉर्ब चीज को बाहर निकालना। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब स्पीशी फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। क्लियर? एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस कर, एब्जॉर्प्शन तो दिख रहा है यहाँ पे, डिसॉर्प्शन नहीं दिख रहा इसको। ऑलराइट, डिफरेंशिएट बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चारों पॉइंट किसके हैं? एड्सॉर्प्शन, ये किसके हैं? एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट, एड्सॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे होता है और पेनिट्रेट नहीं करता, सरफेस पे नॉमिना है। अच्छा, केमिकल भी हो सकता है एड्सॉर्प्शन और फिजिकल भी हो सकता है, और वाटर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल इज एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, तुम अपना खुद ही चेंज कर पाओगे। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में सरफेस की जगह क्या हो जाता है? बल्क। ठीक है, और डज नॉट पेनिट्रेट की जगह डज पेनिट्रेट टू द सर्फेस। ठीक है, अच्छा, सर्फेस फिनोमिना की जगह बल्क फिनोमिना, वैसे तो दोनों की चीजें बात एक ही होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन केमिकल और फिजिकल दोनों हो सकता है, वैसे दोनों हो सकते हैं एब्जॉर्प्शन भी। ठीक है, वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब बाय, वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब बाय कैल्शियम क्लोराइड, एग्जाम्पल है एनहाइड्रस CaCl। एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब करता है या एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब। और सिलिका जेल क्या करता है? एब्जॉर्ब। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? तुम्हारी मिल्टन की नई बॉटल में जो एक सर छोटी-छोटी गोलियां आती है, सिलिका जेल होता है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर इसमें एब्जॉर्प्शन में सरफेस की जगह का क्या होगा? बल्क फिनोमिना। ठीक है, अरे सॉर्प्शन को डिफाइन कर। सॉर्प्शन इज व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, छोटा छोटा लिखना। ठीक है, स्पेस कम है तुम्हारे पास। अ चॉक डिप्ड इन ब्लू इंक वॉटर गेट्स एब्जॉर्ब बट द इंक इज ओनली एब्जॉर्ब। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर सपोज एक इंक जो पेन में इंक डलती थी, है ना, वो पेन इंक पेन आते हैं ना, इंक पेन में इंक डलती है, तो ऐसे ही इंक पेन की इंक को तुम चौक में डिप करके देखो तो होगा क्या? जो चौक है, चौक के अंदर तक वाटर पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? तो चौक अंदर तक गीला हो जाएगा, पर जो इंक है,
इंक उसकी सरफेस पे ही रहेगी। इंक कहां पे रहेगी? इंक सरफेस पे, और वाटर अंदर। तो यहां पे वाटर एब्जॉर्ब हो गया क्योंकि वो बल्क पे गया चौक के, और जो सरफेस पे इंक गई है वो सिर्फ सरफेस पे रही, तो वो क्या हुई? एब्जॉर्ब। समझ आया? ठीक है, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज सॉर्प्शन, जिसमें एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ चलो। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सॉर्प्शन एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो ये शायद तुम फिजिक्स में भी बहुत बार ऐसे कर चुके हो, सरफेस टेंशन वगैरह कर रखा है तुमने, 11th में था क्या? अच्छा, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, ये पार्टिकल कहाँ है? सरफेस पे। ठीक है, अब इसके दोस्त हैं क्या? नहीं, अच्छा ठीक प्रिंटर दिखा दे, प्रिंटर दिखा दे, उन्हें प्रिंटर देखने आया हूँ। ठीक है, करा लेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम क्या कह रहे हैं, ये बहुत सोशल है, इसके हर जगह दोस्त है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह, है ना? जो बल्क में रहने वाला है उसके हर जगह दोस्त। ठीक है, तो कोई उसे इस पार्टी में बुलाता है, कोई उसे उस पार्टी में बुलाता है, वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो क्योंकि इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो ये हमारा केस है जिसमें बल्क में उसके ऊपर फोर्स हर जगह से लग रहा है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, ये जो पार्टिकल सरफेस पे है इसके दोस्त है नीचे, और ऊपर इसके दोस्त है नहीं। तो पॉइंट इज दिस कि इसको नीचे नीचे इसको खींचा जा रहा है पर ऊपर इसे नहीं खींचा जा रहा। तो पॉइंट इज दिस कि इसको ऊपर इसके पास कुछ बची कुची दोस्तियां होंगी, है ना, जो ये और दोस्त बना सकता है। तो ये जो दोस्त बना सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऊपर वैलेंसी फ्री है, या तो हम बोले वैलेंसी अगर केमिकली हो या फिजिकली, आपको हम बोल सकते हैं फोर्स। तो फोर्स ऊपर बचा है, तो अगर कोई पार्टिकल ऊपर से चलता हुआ जा रहा है और वो बोले कि भाई नहीं ये जा रहा है, इसे बोले अरे रुक जा मेरे से दोस्ती कर, तो ये यहां पे रुक जाएगा, है ना? ऐसे ही ये क्या करेगा, ये औरों को भी अपने साथ जोड़ लेगा। तो इसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि सरफेस पे कुछ दोस्तियां बची होती है, पर जो बल्क में रहने वाला इंसान है, जो हर जगह पार्टी कर चुका है, वो कहीं नहीं जाता, उसको कोई दोस्ती की जरूरत नहीं है, वो माया से दूर है। ठीक है, ये एड्सॉर्ब कर लेता है। तो एड्सॉर्ब क्यों करता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन है कि एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इन साइड द बल्क। अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी एड्सॉर्प्शन, उनका एनवायरमेंट और बाहर वाले का सेम नहीं है, ये तुम्हें दिख गया? ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको तुम अपने वर्ड्स में भी बोल सकते हो कि नीचे वाले में पार्टिकल्स जो है अनबैलेंस फोर्सेस छोड़ देते हैं। तो ये जो अनबैलेंस फोर्सेस है,
These are responsible for attracting the adsorbate on the particle of the surface. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन लिख लेंगे इसके ऊपर। डायग्राम अगर तुम नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कि डायग्राम बनाओ, पर जहां पे डायग्राम बनता है वहां पे बनाना है। ठीक है, ये चैप्टर बायो की तरह है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कुछ तुम पढ़ो और मुझे समझाने की कोशिश करो ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि थर्मो और इक्विलिब्रियम याद दिला। ठीक है, तो ये पढ़े, देखते हैं कौन मुझे समझा पाएगा। हाँ जी, ठीक है, जातो बताएंगे। और एक कोई समझाना चाहेगा मुझे ऑनलाइन से, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज ऑफ रेसिडुअल फोर्स ऑफ सरफेस, दैट इज द सरफेस एनर्जी जिसे हम बोलते हैं,
पॉइंट इज दिस कि अगर कोई चीज सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, जैसे ही सपोज एड्सॉर्ब बीट इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, एड्सॉर्ब बीट इसके ऊपर आ, तो जो बचे हुए फोर्सेस थे वो पूरे हो जाएंगे, हाँ या ना? तो ये स्टेबल हो जाएगा, जब भी कोई चीज स्टेबल होती है वो एनर्जी को लूज करती है, वो एनर्जी को क्या करती है, लूज। तो जो बची हुई फोर्सेस थी सरफेस पे वो खत्म हो जाती है। तो ये जो फोर्सेस बची होती हैं ये कैसे निकलती हैं, हीट के फॉर्म में। ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पर इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नीचे वाले पॉइंट। ये वाली बात समझ में आई है, हाँ या ना? अच्छा, अब पर ये नीचे वाला पॉइंट समझाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है तुम्हें, क्योंकि थर्मो तुम्हें दूर दूर तक याद नहीं होगा, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स में पर मैं समझाऊंगा फिर भी, हिम्मत करूंगा मैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक फंक्शन था जिसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी का एक ही काम है हमारे पास, वैसे तो काम बहुत है, पर इसका काम है टू टेल कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस माने खुद हो जाने वाला, और नॉन स्पॉन्टेनियस माने जो खुद ना। इसका थोड़ा बहुत हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, याद आ रहा है? ठीक है, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पॉइंट इज दिस कि रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस अगर डेल्टा जी नेगेटिव आए। रिएक्शन जरूरी नहीं है, कोई भी काम, कोई भी प्रोसेस, जरूरी नहीं हो केमिकल रिएक्शन हो, कोई प्रोसेस भी हो सकता है जैसे एडसॉर्प्शन। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो खुद हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस माने जो खुद ना हो। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा पास होना क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली कोई काम किया जाए तो बिल्कुल हो जाता है, वो खुद हो जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। अब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की बात करते हैं, और इस फॉर्म में अगर हमें ये प्रोसेस को कराना है। अरे एक और चीज जो तुम भूले हुए हो वो है ये डेल्टा एस, इसे बोलते हैं व्हाट इज एन2। इट इज दी मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस। हाँ करोगे तो अच्छा है, अब कंसेप्ट तो पढ़ना है, ठीक है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अच्छा, रैंडमनेस की डिग्री माने अगर तुम्हारा सपोज घर पे, तुम्हारा घर बहुत साफ रहता है। देखिए फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये ग्लास, ये ग्लास जो है अभी तो ठीक लग रहा है, पर जब ये ग्लास टूटेगा तो इसकी रैंडमनेस बढ़ी या कम हुई? इसकी रैंडमनेस बढ़ गई। तो एंट्रोपी कब ज्यादा थी, पहले या बाद में? बाद में एंट्रोपी इसकी क्या हुई, ज्यादा हुई। तो एंट्रोपी हमारी जो है रैंडमनेस को बोलते हैं। तो अब ये जो एंट्रोपी की बात है, ये जो प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ी कि क्यों बढ़ी? हेलो, हाँ, इस प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ी, डिसऑर्डरनेस बढ़ा, तो एंट्रोपी बढ़ा। और अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की, तो उसमें रैंडमनेस बढ़ती है या कम होती है?
बताओ, रैंडमनेस बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि कोई पार्टिकल था जो हवा में घूम रहा था और उसको उसने क्या बोला, रुक जा। ये पार्टिकल था जो हवा में घूम रहा था और इसको इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो पहले इसकी एंट्रोपी ज्यादा थी, अब इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, पहले ही हवा में घूमते थे, अब क्या हो गए, एब्जॉर्ब। क्या अभी घूम पा रहे नहीं? तो रैंडमनेस एडसॉर्प्शन में बढ़ती है या कम होती है? कम। तो डेल्टा एस क्या हो गया इस प्रोसेस में, नेगेटिव। डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव। एंट्रोपी डिक्रीज हुई क्योंकि एडसॉर्प्शन में एंट्रोपी डिक्रीजेस। एडसॉर्प्शन इन एडसॉर्प्शन रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल पहले जो एड्सॉर्ब नहीं था, तो वो हवा में था या वो लिक्विड में था, कहीं पे भी था, वो घूम रहा था, तो वो सॉलिड के ऊपर आके सेटल हो गया, तो इससे उसकी रैंडमनेस बढ़ी या कम हुई? कम हुई। रैंडमनेस कम हो गई ना एड्सॉर्ब होने के बाद, जब वो एड्सॉर्ब हो गया तो रैंडमनेस कम होगी। समझ आई बात? देखिए, हाँ, जैसे कांच का ग्लास टूटा तो वो एंट्रोपी बढ़ गई, पर यहां पे एंट्रोपी कम हो रही है तो एंट्रोपी नेगेटिव है, ये बात क्लियर है? तो चलो, एंट्रोपी नेगेटिव है, अगर एंट्रोपी नेगेटिव है इस प्रोसेस की, यहां पे लिखा हुआ है मेरा गैस ऑफ इज एड्सॉर्ब, उसकी मूवमेंट रुक जाती है, मूवमेंट, तो इस वजह से एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव। तो एड्सॉर्प्शन इज अकंपनीड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एड्सॉर्प्शन किसके साथ देखा जाता है, इसमें एंट्रोपी हमेशा कम होती है जब भी गैस की एड्सॉर्प्शन हो। ठीक है खुशी? हाँ खुशी, ठीक है बताओ क्या, ठीक है क्या समझा तुमने, मुझे तुम्हारे पीछे के सर देख के ही बताना पड़ता है कौन पढ़ रहा है के लिए, मैं प्रो लेवल पे आ गया। अच्छा, आगे से भी नहीं पीछे से बता। अच्छा नेक्स्ट, हाँ खुशी बोलो, पढ़ना नहीं है, आखिरी महीना है। अच्छा, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि वो चीज एड्सॉर्ब हो गई, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। अच्छा, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है और इसके आगे खुद एक नेगेटिव का साइन लगा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव, टेम्परेचर केल्विन में कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर एड्सॉर्प्शन होना है, अगर एड्सॉर्प्शन होना है तो डेल्टा जी को क्या होना है, एड्सॉर्प्शन खुद होता है ना, स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो और मोर नेगेटिव हो देन दिस पॉजिटिव टर्म। समझ में आई बात? तो हमेशा जब भी एड्सॉर्प्शन हो रही होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव ही होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता, यानी कि एंथैल्पी अगर पॉजिटिव होती, तो ये प्रोसेस होता ही नहीं अपू, है ना? तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहे फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट है कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो उससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होना चाहिए, माने डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी। एंथैल्पी तभी नेगेटिव होगी जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। क्या हो, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर, यस और नो? और ऊपर से ना नॉर्मल ही कर दिया सर। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि ये डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होती है। ये वाला पॉइंट समझा सकता हूँ दोबारा, अगर समझना हो किसी ने। क्लियर हो गया या रिपीट करना, बोलो रिपीट करूं? अच्छा देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना? ठीक है, एंट्रोपी हमारी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होने से ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई।
ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी, और अगर कोई भी काम होना होता तो डेल्टा जी उस काम के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। डेल्टा जी तभी नेगेटिव हो सकता है जब यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू हो जो इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर दे, तभी वो नेगेटिव हो पाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव तभी हो पाएगा जब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। दैट मींस अ प्रोसेस द एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिकॉज उस प्रोसेस में एंट्रोपी कम होती है, और एंट्रोपी कम होती है तो उसके अंदर डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है माने वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है ये क्वेश्चन एंड आंसर? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन दो टाइप का होता है, या तो एड्सॉर्ब करो, या तो एड्सॉर्ब करो तो सब्सटेंस के साथ केमिकल बॉन्ड बना लो, क्या बना लो, या तो केमिकल बॉन्ड बना लो या फिर किसी को फिजिकल फोर्सेस से जोड़ो। कौन से फोर्सेस से? फिजिकल फोर्सेस होते हैं जो केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसे बोलते हैं वॉंडर वॉल फोर्स। क्या बोलते हैं? या तो उसको अट्रैक्टिव फोर्सेस से जोड़ो या केमिकल बॉन्ड से जोड़ो। तो दो तरीके का एड्सॉर्प्शन होता है, जो एक जो वॉंडर वॉल फोर्सेस की वजह से होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। वॉंडर वॉल फोर्स सबके बीच में होते हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक फैंसी नाम है। क्या नाम है? फैंसी नाम जो कॉमर्स वाले को समझना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में ना, उसकी जगह बोलना होता है वॉन्डर वॉल। तो ये फिजियोज ऑप्शन होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दी वॉन्डर वॉल फोर्स। अच्छा अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू, अच्छा केमिस्ट ऑप्शन होता है ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड के फॉर्म होने से केमिस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा कौन सा स्पेसिफिक होगा, फिजियोज ऑप्शन या केमिस्ट ऑप्शन? केमिस्ट ऑप्शन, क्योंकि केमिकल बॉन्ड सिर्फ कुछ ही चीजों में बनते हैं फिर, और वॉन्डर वॉल फोर्स तो सब में होते हैं, तो ये सब कर सकते हैं विद्युत ऑप्शन। और केमिकल ऑप्शन सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके अंदर केमिकल बॉन्ड बनते हो, जिनकी वैलेंसी हो, एक मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ लाइक दिस। अच्छा कौन सा बड़ी जल्दी टूट जाएगा, जो फिजिकल फोर्सेस से बना है या जो केमिकल बॉन्ड से बना है? जो फिजिकल फोर्सेस से। तो रिवर्सिबल कौन है, जो बन के एड्सॉर्ब होके डिसॉल्व हो सकता है, वो कौन है? विद्युत ऑप्शन। केमिकल ऑप्शन इरिवर्सिबल है, एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो वो एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो टूटेगा, यस और नो? ठीक है। कौन सा ये वाला पॉइंट अभी छोड़ देंगे, थोड़ी देर में आएंगे इस पॉइंट पे, फोर्थ पे। अच्छा दोनों में प्रोसेस में एनर्जी तो वैसे रिलीज होती है ज्यादातर गैस में, तो एंथैल्पी माने हीट, एंथैल्पी इज फैंसी वर्ड फॉर हीट, हम हीट को एंथैल्पी बोलते हैं, बस हमारा मन करता है इसलिए। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन में जो हीट निकलती है, फिजियोज ऑप्शन में कम हीट निकलती हुई, फिजिकल फोर्सेस वीक होते हैं, और केमिकल बॉन्ड बनने पे ज्यादा हीट रिलीज होती होगी क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड तो स्ट्रांग होते हैं। तो फिर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन लो एंड हाई। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा लो टेम्परेचर किसके लिए फेवरेबल है और किसके लिए अनफेवरेबल है? केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि तुम्हारे में डिलीटेड था, पर आगे आने वाली जनरेशन तो पढ़ेगी तो मैं उसको बोल रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रेट कांस्टेंट है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन है, वैसे रेट कांस्टेंट ही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम हो जाता है? 10 टाइम्स। तो अगर हम नहीं, 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएं तो रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो फास्ट हो जाती है ज्यादातर रिएक्शन। कुछ रिएक्शन लो टेम्परेचर पे भी होती है, जैसे डाइजोटाइजेशन गैटरमैन में पड़ी थी 273 to 283। कुछ रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, पर जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से यूजुअली बढ़ती है। तो केमिस्ट ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो ये कौन से फोर्सेस, ये हाई टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो पूछे व्हाई, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अच्छा
अच्छा, अगर कोई चीज वॉंडरवॉल फोर्सेस से जुड़ी हुई है, वॉंडरवॉल फोर्सेस टेम्परेचर के अगेंस्ट चलते हैं, टेम्परेचर के अगेंस्ट, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं टूट जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, क्यों? तुम एग्जाम्पल ले लो बॉइलिंग का, बॉइलिंग में लिक्विड से गैस क्यों बनता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाते हैं। हीट करने पे सॉलिड मेल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स टूट जाते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विद्युत ऑप्शन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो लो टेम्परेचर पे कौन अच्छा होता है? विद्युत ऑप्शन। और हाई टेम्परेचर पे कौन अच्छा होता है? केमिकल ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको स्टार्ट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पर इसको एक्टिवेट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। इसको कभी कभी हम बोलते हैं अच्छा चलो ये छोड़ो, अब यहाँ पे आते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, क्यों? सरफेस फिनोमेना है। एडसॉर्प्शन हमेशा सरफेस पे ही होता है यश, है ना, और सरफेस बढ़ेगी तो दोनों बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है और ये यूनि मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी तो एक ही बार बनती है, वैलेंसी तो एक ही बार में पूरी हो जाती है। तो अगर कोई चीज एड्सॉर्ब हो रही है तो उसकी एक ही लेयर बनेगी जो सबसे पास होगी, जिसमें केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड का लेंथ भी फिक्स होती है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर फिजिकल ऑप्शन हो रहा है जो कि सिर्फ वॉंडरवॉल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो वॉंडरवॉल फोर्सेस तो सबके बीच में होते हैं और एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में भी होगा, तो वॉंडरवॉल फोर्स में ऐसी लिमिटेशन नहीं है। वॉंडरवॉल फोर्स में जो जो एडसॉर्प्शन की लेयर है वो कैसी हो सकती है? मल्टी मॉलिक्यूलर थिक, बड़ी लेयर हो सकती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को भी वॉंडरवॉल फोर्स से जोड़ रहा है, दूसरा भी तीसरे को जोड़ रहा है, सबके बीच में वॉंडरवॉल फोर्स होता है, नॉन स्पेसिफिक है। और ये ऑन द अदर हैंड जिसका केमिकल बॉन्ड बनना है उसकी बॉन्ड लेंथ तो बराबर ही है और वो उसकी एक ही वैलेंसी पूरी होगी ऑलमोस्ट, तो जो जिस सरफेस पे वैलेंसी होगी वही होगी ना। ऐसे तो नहीं है ना कि वो एक बड़ा बॉन्ड भी बना सकता है, एक छोटा भी बना सकता है, केमिकल बॉन्ड्स की लेंथ तो फिक्स होती है। तो ये कैसी लेयर बनाएंगे? यूनि मॉलिक्यूलर। और ये कैसी लेयर बनाएंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर। ये कर पाएंगे? करें, इसका टेस्ट लें, फिजिकल ऑप्शन केमिकल ऑप्शन का अभी लेते हैं। ठीक है, तुम जब तक यहां तक रिवाइज कर लो, मैं अभी इसका टेस्ट ले रहा हूं। साथ साथ लर्न करना पड़ेगा, ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है, जल्दी हो जाएगा, नोट्स है ना वहां। ठीक है, वो कुछ डिलीटेड भी है, वो भी दिया हुआ है, एंजाइम डिलीटेड है और इमल्शन डिलीटेड है। पढ़ने का टाइम दिया गया है, अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस आ जाएगी शाम में।
बच्चों से सबसे लेके थे कार्ड लेके, नीचे जो आए थे उन्होंने भी भेजे थे कार्ड। सारे 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 ले आना, सारे मतलब। हाँ सारे ला जो हो गया यार। डेफिनेशन भी सबका टेस्ट है, भागेंगे कोई नहीं, याद करेंगे। स्क्रीनशॉट से कर लें, अगर तुमने स्क्रीनशॉट लिए हैं बच्चों ने ऑनलाइन वालों।